सिरोही सवाल उठाते हैं कि कई बेगुनाह लोगों की पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या कर दी, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं। और तो जहां भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, तनिक भी कहीं कोई दोषी पाया जाता तो उसमें प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। आपने हाल में कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो भी फैसला आता है उसको सबको मानना चाहिए। क्या आप पूरे प्रदेश को भगवामय कर देना चाहते हैं, ये उनके आरोप है? देखिए, भगवा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है, भारत का आन मान और शान का प्रतीक, भारत का तिरंगा, ऊपर की पट्टी केसरिया कलर की, वो भी भगवा में है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी, जब भी चुनाव होते हैं दूसरे राज्यों में तो योगी जी की डिमांड रहती है, आपको लगता है कि आपका काम बोलता है या आपकी लोकप्रियता बोलती है? देखिए, बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी वहां जाते हैं, हमारी यूपी में चुनाव होता है तो अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, नेताओं को बुलाया जाता है, दूसरे राज्यों में होता तो उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता जाते हैं। तो चुनाव में हम लोग उसी भूमिका के साथ सहयोग करने के लिए जाते हैं। योगी जी, विरोधी कहते हैं कि योगी जी का इस्तेमाल बीजेपी इसलिए करती है कि वो एक तरह से हिंदुत्व का एक सिंबल हैं, योगी हैं, और दूसरा आक्रामक बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा जो आप बात करते हैं वो राम मंदिर की करते हैं, तो आप वोटरों को लुभाने के लिए सबसे मुफीद लगते हैं बीजेपी को? देखिए, राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहते थे कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा है। जो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी खतरनाक होती है। हम लोग मूल्यों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। अब मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति में किसी को बुरा लगता है तो उसका विषय उसकी सोच हो सकती है। रही हिंदुत्व की बात करना, तो हिंदुत्व तो एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वांगीण विकास की अवधारणा है। यह व्यक्ति जाति, मत, मजहब और संप्रदाय से ऊपर उठ करके वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा हमें देती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेरणा हमें देती है। तो एक इस प्रकार की विराट वैचारिक अधिष्ठान को संकीर्णता की नजरों से देखना, मुझे लगता है कि दृष्टि को, लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। योगी जी, आपकी पार्टी, आप सब कहते हैं कि राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, वोट का मुद्दा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो राम हैं वो चंदे के राम हैं, वो बंटवारा करने वाले राम हैं, वो राजनीति के लिए राम है और वोट मांगने वाले राम हैं, हमारे राम शबरी के राम हैं, समाज के दलितों और पिछड़ों के राम हैं, तो ये राम का बंटवारा कैसे हो गया? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता है विभाजन, अराजकता, अव्यवस्था और भेद पैदा करना, एक कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा हो चुका है। जब इस देश की जनता को कांग्रेस की इन वास्तविकताओं का पता लगा तो जनता ने उसे एक सिरे से खारिज किया है। राम राम है, राम की मर्यादा है, एक मर्यादा का पाठ भगवान राम ने हमें पढ़ाया है और भगवान राम
देश के अंदर किसी भी तबके का व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, राम का जीवन चरित्र प्रत्येक के लिए अनुकरणीय है। राम मंदिर के मुद्दे पर हम लोगों की स्पष्ट राय है कि इस राम मंदिर से जुड़े हुए मामले में उच्चतम न्यायालय की सुनवाई अंतिम दौर में है। बातचीत से समस्या के समाधान के अनेक प्रयास हुए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मुझे लगता है सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो भी फैसला आता है उसको सबको मानना चाहिए। आपने हाल में कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के सबूत मिले हैं या आपकी आस्था के आधार पर आप कह रहे हैं कि हक में फैसला आएगा? नहीं, देखिए अयोध्या में जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वह सामाजिक सौहार्द की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जिससे सामाजिक सौहार्द की स्थापना होती हो, जिससे सभी पक्षों को संतुष्टि होती हो, अगर इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो अपने आप में खुशखबरी है। योगी जी, आपके सत्ता में आने के बाद से विपक्षियों के सवाल ये थे कि जब से योगी जी की सरकार आई है तो दिवाली अयोध्या वाली हो गई है, कृष्णोत्सव हो रहा है, या आप पूरे प्रदेश को भगवामय कर देना चाहते हैं, ये उनके आरोप है। देखिए, भगवा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो भगवा में ही होते हैं, अग्नि का जो रंग है वह भगवा में है, तो भगवा भारतीय प्रतीक है, भारत का आन मान और शान का प्रतीक, भारत का तिरंगा, ऊपर की पट्टी केसरिया कलर की वह भी भगवा में है। हमने प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह देश विगत 5-5.5 वर्षों के दौरान जिस एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाया है उसको हमने प्रदेश के अंदर लागू किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। योगी जी, विपक्ष के लोग कहते हैं कि एक तरफ गौ माता के संरक्षण की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत माता का नारा लगवाते हैं, उसके नाम पर लोगों को आपकी पार्टी भय पैदा करती है। फिर योगी जी का मॉडल यह है कि हम 3 तलाक पीड़ित महिलाओं से मिलेंगे, कश्मीर में ऐसे बच्चों से मिलेंगे जो हिंसा से प्रभावित हैं, या 370 को लेकर हम लोगों को जागरूक करेंगे, तो योगी जी का ये बदलता हुआ चेहरा है या योगी जी सबका साथ सबका विकास को वाकई लागू कर रहे हैं? देखिए, गो भारतीय संस्कृति की आधार है, गो संरक्षण के लिए कार्य करना भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना है और उसके लिए हम लोग हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरा, जहां तक 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के बारे में कार्य करने का है तो संभवतः लोगों को, विपक्ष के लोगों को इस बात के लिए जानकारी होनी चाहिए कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण ये केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं, मोदी जी के आने के बाद यह हकीकत में बदला है। दूसरा, कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना, ये आजादी के बाद कांग्रेस नेतृत्व की जो गलती थी उसका एक परिमार्जन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धारा 370 को लागू करते समय इस बारे में आशंका व्यक्त कर दी थी कि यह धारा पृथकतावादी शक्तियों को सिर उठाने का अवसर देगी, उन्होंने विरोध किया था इस बात का, लेकिन पंडित नेहरू की जीत ने कश्मीर में धारा 370 की आड़ में न केवल जम्मू कश्मीर के विकास को बाधित किया बल्कि वहां पर उग्रवादी घटनाओं को बहुत तेज बढ़ा दिया था। लेकिन हम धन्यवाद देंगे, आभार और अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर के लिए इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय को आगे बढ़ाया है। कश्मीर के उन लोगों के साथ
जो यूपी के अंदर हैं, खासतौर पर बड़ी मात्रा में कश्मीरी छात्र उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, मैंने पहले भी सभी अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए निर्देश जारी किए थे कि उन बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने कश्मीर के छात्रों के साथ एक संवाद बनाया था और 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक्ट बनने के फलस्वरूप उन्हें राहत कितनी मिली है, इसके लिए मैंने इन लोगों के साथ भी एक संवाद बनाया था। योगी जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अब उन्होंने पद छोड़ दिया है, वो कहते हैं कि संसद में उन्होंने कहा कि आप कश्मीरियों से पूछते नहीं हैं, बिना कश्मीरियों से पूछे जो फैसला कर रहे हैं, खून की नदियां बह जाएंगी वहां पे। देखिए, कांग्रेस की इसी नकारात्मक राजनीति ने कांग्रेस को डुबो दिया है। श्री राहुल गांधी हो या श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, एकदम नेगेटिव पॉलिटिक्स इन लोगों की है। इनको देश से, दुनिया से और अब देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। इनके वक्तव्यों को सुनकर कैसे लगता है, कश्मीर के अंदर जिस खून की नदियों की बात करते थे, वहां एक पटाखा तक नहीं फूटा, लोगों ने जश्न मनाए। कश्मीरी छात्रों से मैंने स्वयं संवाद किया, जम्मू और लद्दाख के अंदर लोग जश्न मना रहे हैं। योगी जी, आपके विरोधी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, पूरे देश के जो विरोधी हैं, वो कहते हैं कि बालाकोट हो, आप एयर स्ट्राइक करें, आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, आप राफेल में नींबू मिर्ची लगाएं या उसका शस्त्र पूजा करें, लेकिन सब आप लोग दिखावा करते हैं वोट के लिए, ये उनका आरोप है। देखिए, हम दिखावा नहीं करते, हम जो कर रहे हैं वही कहते भी हैं, जो कहते हैं वही कर भी रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में किसी भी प्रकार का कोई विषमता नहीं है। हमने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश की योजनाओं का लाभ व्यक्ति, जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके तक हम पहुंचाएंगे, देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देंगे और शासन की योजनाओं का लाभ देंगे, विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हमने वो करके दिखा दिया है, बीजेपी वो करके दिखा रही है, और मुझे लगता है कि यह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक प्रेरणा भी है कि कथनी और करनी में समन्वय बनाओगे तो पब्लिक के विश्वास के प्रतीक बनोगे, अन्यथा मोदी जी ने जिस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ाई है, आम जन के विश्वास में अगर खरे नहीं उतरोगे, जनता एक सिरे से खारिज कर देगी। योगी जी, आप कहते हैं कि भारत माता की जयकारे लगाने से कांग्रेसियों को परहेज है, विरोधियों को परहेज है, वो सोनिया माता की जय लगाते हैं, लेकिन विरोधी कहते हैं कि भारत माता हमारी भी है, लेकिन आप लोग तो भारत माता के नाम पर भय पैदा कर देते हैं समाज में। देखिए, हमने कोई भय पैदा नहीं किया है, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब हम सबके साथ लेकर के, सबके विकास को लेकर के और सबके विश्वास को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो इसमें भय की बात ही कहाँ से आती है। योगी जी, जो अगर मैं यूपी की बात करूँ, तो आपकी पहली प्राथमिकता थी कि भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, अपराधियों का बोलबाला खत्म होना चाहिए, अपराधियों को या तो सलाखों के पीछे जाना होगा या फिर पुलिस पर गोली चलाने वालों का जवाब पुलिस गोली से देगी। विरोधी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके नाम पर पुलिस एनकाउंटर करे, उस पर सवाल उठ जाएं। विरोधी सवाल उठाते हैं कि कई बेगुनाह लोगों की पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या कर दी। आपको लगता है कि एक संवेदनशील मुद्दा है, कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष न मारे जाएंगे? देखिए, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं, और पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में कभी हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अधिकारी भी शहीद हुए हैं,
हमने इस दौरान अपने 4 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और कई जवान खोए हैं। आज से 2.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर दूसरे दिन दंगा होता था, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का एक लंबी श्रृंखला चलती थी। पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश के विकास को न केवल बाधित करते थे बल्कि भय और दहशत का एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर पैदा किए थे। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान पुलिस ने अपने परिश्रम से, अपनी कार्यप्रणाली से इस परसेप्शन को बदला है। कहीं कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, जहां भी हुए हैं उसके तथ्य हैं, उसके प्रमाण हैं। शासन स्वयं भी जांच करवाता है हर एक घटना का, तो जहां भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, तनिक भी कहीं कोई दोषी पाया जाता, तो उसमें प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। योगी जी बुआ हो, बबुआ हो या प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी जमीन तलाश रही हैं और लखनऊ में घर तलाश रही हैं ताकि वो यूपी में कांग्रेस की जड़ें फिर से मजबूत कर सकें। लेकिन बुआ बबुआ कहते हैं कि योगी जी सपने दिखा रहे हैं यहाँ पर यूपी में और मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के सपने दिखा रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन आप देश में बनाना चाहते हैं, और मोदी जी भी कहते हैं और आप भी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ता जो है यूपी से होकर गुजरता है। आपको लगता है कि पहले 5 ट्रिलियन से पहले रोजगार एक प्राथमिकता है, छोटे छोटे उद्योगों को पनपाना एक प्राथमिकता है, लेकिन विरोधियों को आपके दावों पर यकीन क्यों नहीं होता? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन की से ऐसी। जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त होने पर सत्ता को लूट खसोट का जरिया बनाया था, विकास, रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना जिनका एजेंडा कभी नहीं रहा, स्वाभाविक रूप से जब उनके सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं 14, 17, 19 में, परिणाम ने उन्हें जोरदार झटका दिया है, तो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे विपक्ष के लिए यह अपने आप में एक चैलेंज है। उत्तर प्रदेश पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होना, एमएसएमई में, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमारी देश की सफलतम योजनाओं में से एक है। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 28% बढ़ाया है। स्किल मिशन को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बना। प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में 2.60 करोड़ से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय, 25 लाख से अधिक लोगों को, एक परिवारों को एक एक आवास, 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क कवर देना, 1.35 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन और 1.10 करोड़ लोगों को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के माध्यम से किसानों की आय को कई गुना करना, प्रदेश के अंदर 2,25,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी 2.5 वर्ष के अंदर उपलब्ध कराना, निवेश, एमएसएमई, इन सभी के माध्यम से 20 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोलना, ये सब कार्य प्रदेश में हुए हैं। और इन सब कार्यों को करने के बाद ही हम लोगों ने इस बारे में कहा कि यूपी के अंदर संभावना है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए, और उस दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आईएम के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ हमारी जो सीटिंग हुई है, इसी दिशा में आगे की रोड मैप तैयार करने और उसको प्रभावी ढंग से
लागू करने का ही हिस्सा है। तो योगी जी मैनेजमेंट गुरु हो गए हैं और आप चाहते हैं कि उनके जो मंत्री हैं वो सीईओ की तरह काम करें ताकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका विकास का मॉडल है क्या, क्योंकि विरोधियों को लगता है कि आप लोग जब चुनाव आते हैं तो ये सब मुद्दे पीछे छोड़ देते हैं, विकास रोजगार ये पीछे छूट जाता है और फिर वो नई नई चीजें आती हैं। देखिए, हम चुनाव में अपने विकास के मुद्दों को लेकर के ही गए थे। हमारे यहाँ जाति का मुद्दा नहीं, क्षेत्र का नहीं, भाषा का नहीं, पंथ मजहब का नहीं, हम विकास के मुद्दे को लेकर के 2017 में भी गए थे, 2019 में भी जनता के सामने गए थे और हम आज भी इस बात को कह सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आने के बाद हमने उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने फोकस सेक्टर्स की 21 पॉलिसी बनाकर के पॉलिसी के अंतर्गत निवेश करने और उसके अनुसार निवेशकों को सुविधा और सुरक्षा देने की व्यवस्था आगे हम लोगों ने तैयार की है। बहुत अच्छे परिणाम उसके आए हैं और इन कार्यक्रमों को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। योगी जी, आपने 36 घंटे का सत्र बुलाया, 16 लक्ष्य आपने तय कर दिए, विरोधियों ने बहिष्कार किया, हालांकि कुछ दलों के नेता आ गए विधानसभा में और वो उन्होंने अपने चर्चा में भाग लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तकलीफ इस बात को लेकर है कि उन्होंने जो अच्छे काम किए थे उसका क्रेडिट भी आप ले रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य हासिल कैसे करेंगे और क्या विरोधियों को क्रेडिट देने में कोई हर्ज है? देखिए, मानसिकता आप देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के जब हम लोगों ने विधानसभा का सत्र लगातार 48 घंटे को बुलाने का मैंने एक बैठक ली थी, सर्वदलीय बैठक ली थी, दलीय नेताओं की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि 48 घंटा बहुत होता है, 36 घंटे की चर्चा हो। हमने कहा भी चले 36 घंटे का ही सही, लेकिन बाद में सपा ने बसपा ने वॉकआउट कर दिया। इनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, एक गरीबी का सर्वथा अंत, भूखमरी का सर्वथा अंत, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा, बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट का था, कृषि क्षेत्र के में विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का था, ये कॉमन मैन के जीवन से जुड़े हुए इश्यूज थे जिन पे चर्चा होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया। कुछ विरोधी ऐसे जो कहते हैं मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सरकार उतनी मजबूत नहीं है या ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। देखिए, हर व्यक्ति इस बात को जान सकता है कि अगर लीडरशिप अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। प्रदेश में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, बेहतर परिणाम दे रही है, हमने प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। बड़ा मुद्दा रहा है आपके लिए जब आप सांसद भी रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाना आपके क्षेत्र से भी जुड़ा मसला रहा है। कई बार विरोधी आपकी इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि आपने मुद्दे तो खूब उठाए संसद में, जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपने जो रोडमैप बनाया उसमें काबू नहीं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री आपकी तारीफ करके गए, तो प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं विरोधी आपसे नाराज रहते हैं इस मामले में? देखिए, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चों को निकल रही थी और हमने विगत 2.5 वर्ष के अंदर एक कार्ययोजना तैयार की थी। आज मैं कह सकता हूं कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 90% कमी आई है और जो कार्ययोजना आगे बढ़ी है स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, मेरा अनुमान है कि हम आगामी कुछ वर्षों में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। योगी जी, NRC को लेकर भी बहुत देश में एक विवाद पैदा हो गया है, विरोधी संसद के अंदर विधानसभाओं के अंदर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि अगले चुनाव की तैयारी NRC से कर रही है BJP और लोगों में दहशत फैल गई है इसको लेकर। देखिए, भय और दहशत में आने की आवश्यकता नहीं, NRC देश के हित में उठाया गया कदम है। असम के अंदर सफलतापूर्वक लागू होने की प्रक्रिया चल रही है,
एक राज्य में सफलतापूर्वक लागू होगी तो अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने की कार्रवाई हो रही है और आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के लिए भी हम इसको उठाएंगे। क्योंकि जी 2.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ, आपको लगता है कि अभी भी आपकी 3 चुनौतियां ऐसी हैं जिस पर आपको अभी जीत हासिल करनी बाकी है या ये लक्ष्य से दूर है अभी आपके लिए, कोई ऐसी 3 चुनौतियां? देखिए, सरकार एक अच्छी दिशा में कार्य कर रही है और बगैर चुनौती के कार्य का मजा ही कहां। हम लोगों ने राजनीति के जिस फील्ड को चुना है, चुनौती मानकर के ही उसको चुना है और उस चुनौती में बेहतर परिणाम देने का मादा हम लोग रखते हैं और वो करके दिखाएंगे। नदियां पुनर्जीवित करना, तालाब बनाना, पेड़ लगाना, जल संरक्षण से मुक्त करना, देखिए सभी एक साथ चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक वर्ष पहले ही हम प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुके हैं। पहले वर्ष 5.5 करोड़ वृक्षारोपण, दूसरे वर्ष 11.5 करोड़ वृक्षारोपण और इस वर्ष 22.59 करोड़ वृक्षारोपण हमारी सरकार ने करवाए हैं। क्योंकि जी नौकरियों को लेकर पहले था कि भर्तियां निकलती थी, पेपर लीक हो जाते थे, 3-3 साल तक उनके रिजल्ट नहीं आते थे, परीक्षाओं के सेशन यूनिवर्सिटीज में लेट चल रहे हैं, कॉलेजेस में लेट चल रहे हैं और डिग्रियां मिलने में साल भर से ज्यादा 1.5 साल का वक्त लग जाता है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनौती भरी है? देखिए, पिछली सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी और एक कारण था कि न्यायपालिका को हर एक मामले में स्टे करना पड़ा था। हमारी सरकार 2.5 वर्ष के दौरान 2.25 लाख नौजवानों को नौकरी दी है और आने वाले समय में हम लगभग 2 लाख अन्य नई नौकरियां देने जा रहे हैं। तो एक व्यापक परिवर्तन आया है और मुझे लगता है कि पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के आधार पर मेरिट के साथ हर नौजवान को नौकरी और कार्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता और उसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रहे हैं। योगी जी, आपने शाहबेरी में अवैध ढंग से बिल्डिंगें बनाने वालों पर सख्ती की, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, उनको जेल भेजा गया, लेकिन आपको लगता नहीं कि समस्या केवल ग्रेटर नोएडा शाहबेरी की नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह का एक जो भू माफिया है वो काम करता है और गरीबों को लूटता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनेगा कि कम से कम लोग लूटने से बचें? हमारी सरकार पहले ही एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बना चुकी है और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स में पूरे प्रदेश के अंदर 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड हम लोगों ने भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवाई है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पर कार्य हो रहा है। आखिरी सवाल मेरा, घर का सपना बहुत लोगों का टूट गया था, आपने रेरा बनाया, रेरा काम कर रहा है, खबरें हम लोग दिखाते हैं कि कुछ अच्छा भी काम हो रहा है और वो बेहतर परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जो हमने पैसा दे दिया इन बिल्डर्स को, हम कम से कम उस घर में तो चले जाएं। देखिए, इस पे काफी बड़ा कार्य हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे में 10 साल 12 साल से वहां पर लगभग 3 लाख के आसपास बायर्स ऐसे थे जिनको पैसा दिए जाने के बावजूद उनका मकान नहीं मिल पाया था। हमारी सरकार ने इस पे प्रभावी कार्रवाई की, अब तक हम 1.5 लाख से अधिक बायर्स को उनका आवास दे चुके हैं। कुछ मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में होने के नाते सरकार ने उसको छेड़ा नहीं है और प्रभावी कार्रवाई इस पे आगे की जा रही है। योगी जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी सवाल उठाते हैं कि कई बेगुनाह लोगों की पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या कर दी, एक भी निर्दोष नहीं मारे गए हैं और तो जहां भी अगर कोई दोषी पाया जाता है, तनिक भी कहीं कोई दोषी पाया जाता तो उसमें प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। आपने हाल में कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो भी फैसला आता है उसको सबको मानना चाहिए। या आप पूरे प्रदेश को भगवामय कर देना चाहते हैं, ये उनके आरोप है। देखिए, भगवा भारतीय संस्कृति की प्रतीक है,
भारत का आन मान और शान का प्रतीक, भारत का तिरंगा, ऊपर की पट्टी केसरिया कलर की, वो भी भगवा में है।